हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो सभी अच्छे अच्छे होंगे। तो चलिए, अडूला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं मैथ्स क्लास किट की वर्कशीट नंबर 26 इंग्लिश मीडियम में। टॉपिक है स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। कुछ ऐसे पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं स्पेशल कहते हैं, जैसे रॉम्बस। रॉम्बस क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड होती है इसकी, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है ना लेंथ में। तो एंड इट इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम भी है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है और इसके तो चारों साइड इक्वल है। तो रॉम्बस जो है उसकी सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में आती है, तो इसीलिए ये पैरेललोग्राम भी है। और इसका डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं। देखिए, रॉम्बस का डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 तो है ही ना, लेकिन बाइसेक्ट करते हैं। और यही पैरेललोग्राम में होता है कि उसके डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं। तो रॉम्बस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक वैसे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में रेक्टेंगल क्या होता है, जिसका हर एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल, और इसके डायगोनल इक्वल होंगे, बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को। और तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम हो गया। तो यानी रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है और रेक्टेंगल का डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया? स्क्वायर, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर पैरेललोग्राम है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो चारों साइड का मतलब अपोजिट साइड तो हो ही गया ना, ये देखिए, ठीक है। और डायगोनल स्क्वायर के बाइसेक्ट करते ही करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर है, ठीक है, इक्वल होते हैं लेंथ में। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है, स्क्वायर हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। सारी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम के अंदर दो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, पैरेललोग्राम की। एक तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, जो कि स्क्वायर में है कि नहीं। और इसके डायगनल्स डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जो कि ऊपर के तीनों फिगर में नजर आया हमें। तो ये तीनों ही जो थे, रॉम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, तीनों के तीनों पैरेललोग्राम हो सकते हैं। अब बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर इज नॉट अ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम नहीं है? स्क्वायर तो होता है पैरेललोग्राम, ठीक है, ट्रेपीजियम नहीं है, रॉम्बस भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है। तो ऑप्शन हो गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर हैज परपेंडिकुलर डायगनल। वो डायगनल जो परपेंडिकुलर है, यानी इस तरह से 90 पे काट रहे हो। रेक्टेंगल के तो नहीं होते, पैरेललोग्राम के भी नहीं होते, ट्रेपीजियम के भी नहीं होते, रॉम्बस के होते हैं। देखिए, रॉम्बस की चारों साइड इक्वल होती है और जो इसके डायगनल होते हैं ना बच्चे, डायगनल एक दूसरे को 90 पे काटते हैं। तो हो गया ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर डायगनल। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर हैव इक्वल डायगनल। इक्वल डायगनल होते हैं, इक्वल डायगनल किसके होते हैं? काइट के इक्वल नहीं होते हैं, रॉम्बस के इक्वल नहीं होते हैं, स्क्वायर के इक्वल होते हैं ओनली, क्योंकि स्क्वायर इस तरह से होता है, हर एंगल 90 डिग्री है, इसके डायगनल भी इक्वल होते हैं। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो अब आपको बताना है कि रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल के जो डायगनल हैं, क्या डायगनल इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, डायगनल्स इक्वल होते हैं ये नहीं होते, यस और नो में आंसर देना है आपको। जिनको वर्कशीट समझ में आ गई छोटी सी प्यारी सी, वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें।